2011 में रिलीज हुई इम्तियाज अली की फिल्म रॉकस्टार के जरिए रणवीर कपूर ने खूब वाहवाही लूटी थी। फिल्म में रणवीर के ऑपोजिट नरगिस फाखरी नजर आई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी खूब धमाल मचाया था और सालों बाद एक बार फिर से ये फिल्म सुर्खियों में छा चुकी है। दरअसल हाल ही में निर्देशक इम्तियाज अली इस फिल्म से जुड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है। अपने जन्मदिन के मौके पर दीपिका पादुकोण ने एक वेबसाइट लॉन्च किया था। इस वेबसाइट के जरिए दीपिका ने फैंस के साथ अपनी बॉलीवुड जर्नी के किस्सों को साझा किया। इसके साथ साथ दीपिका ने खुलासा किया कि हर महीने साइट पर आकर कोई ना कोई सेलेब उनके बारे में कुछ दिलचस्प बातों को साझा करेगा। इस महीने इम्तियाज अली ने साइट पर लिखा है कि आखिर कैसे दीपिका के साथ उनकी पहली मुलाकात हुई थी। इम्तियाज ने लिखा है कि वह कार से होटल के कॉरिडोर पर उतरी और उस दौरान उन्होंने मुझे देखा। मुझे तुरंत ही एहसास हुआ कि मैं जिस लड़की से मिलने आया हूँ ये वही है। साथ ही वह भी समझ गई थी कि जिस डायरेक्टर से मिलने के लिए वह आई हैं वो मैं ही हूँ। उनकी आंखों को देखने के बाद लगा कि वह सब जानती हैं। उन्होंने बताया कि उस वक्त दीपिका की एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई थी, इसलिए मैं अपनी फिल्म रॉकस्टार के लिए मिलने आया था। मैं उसे रॉकस्टार के लिए कास्ट करना चाहता था, लेकिन फिल्म काफ़ी साल तक बन ही नहीं पाई, जिसकी वजह से मुझे किसी और फिल्म में उनके साथ काम करना पड़ा। कई सालों में कई जगहों पर काफ़ी चीज़ें हुई जिन्हें मैं भूल गया हूँ, लेकिन मैं उस लड़की को नहीं भूल पाया हूँ जो अपने कार से होटल के बाहर रुकी और मेरी तरफ देखा जैसे उसे सब कुछ पता हो। वर्क फ्रंट की बात करें तो दीपिका जल्द ही रणवीर सिंह की मच अवेटेड फिल्म 83 में नज़र आने वाली हैं। इसके अलावा वो मेघना गुलजार की फिल्म छपाक में विक्रांत मेसी के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी। फिल्म अड्डा से शिवांगी शुक्ला की रिपोर्ट।